समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया के नामों के चलने वाले सुखद कारक मंडल को मैं शीश नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दोनों एक पर एक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ विचार मंच के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर श्यामा किशोर बाबू, जिन्होंने अपनी सोच से आज इस समाधि स्थल पर जयंती मनाने के लिए अपना अमूल्य समय दिए, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंत्री, आपदा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू, जो जनता के लिए पटना में लोटा और पानी लेकर के तैयार रहते हैं और 24 घंटा फोन पर उपलब्ध रहते हैं। कोई भी कठिनाई हो फोन से संपर्क करें, उसके लिए ये तैयार रहते हैं। उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि इस व्यस्ततम प्रोग्राम में से इतना समय निकालकर रानी पति भूपेंद्र नारायण मंडल समाधि स्थल तक पहुँचने का कष्ट किए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परम आदरणीय पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव साहब को, जिन्होंने आलमनगर से चलकर इस समाधि स्थल पर आकर समाजवाद के चिंतक को नमन करने का काम किए और इन्होंने जो अपनी वाणी से हम लोगों को प्रभावित किए, इसके लिए इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विचार मंच के जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आकर हम लोगों के बीच अपना सुझाव दिए और समाजवाद के धरती को नमन किए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक, युवा विभाग विधायक आदरणीय रमेश ऋषिदेव जी को, जिन्होंने इस सभा को संबोधित किए और समाजवाद के राह पर एक युवा विधायक के हैसियत से अपनी विधानसभा क्षेत्र को सुशोभित करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिनेश बाबू, आदरणीय दिनेश बाबू अध्यक्ष भूपेंद्र नारायण विचार मंच मधेपुरा को, जिन्होंने अपने वाणी से और अपना अमूल्य समय देकर इस जयंती को सफल बनाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गार्जियन प्रोफेसर सच्चिदानंद बाबू को, जो कि टीपी कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी सोच से अपना समय निकालकर यहाँ तक पहुँचकर इस जयंती को सफल बनाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परम आदरणीय परमेश्वरी बाबू को, जिन्होंने रानीपट्टी की धरती पर पहुंचकर भूपेंद्र नारायण मंडल जयंती में शिरकत किए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परम आदरणीय सचिंद्र महतो साहब को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आज हम लोगों के बीच उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय सत्यजीत बाबू को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर विजेंद्र नारायण यादव जो प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू के हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक चौधरी जो हमारे जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय तेज नारायण यादव मधेपुरा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विष्णु फौजी साहब गांधी जी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रतन जी को जिन्होंने कुमारखंड से पहुंचकर यहाँ तक आए, और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ योगेंद्र महतो साहब का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पप्पू जी जो प्रखंड अध्यक्ष जदयू के है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नीलाकांत बाबू को, आदरणीय अरुण बाबू को, आदरणीय विवेक जी को, आदरणीय संत बाबू को, आदरणीय चंद्रवंश बाबू को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने वाले श्रीमती रेखा यादव जी और तबला पर रोशन बाबू को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंद्रजीत जी जो हमारे मुखिया हैं उनको जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य भूमिका निभाए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय दिनेश बाबू को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सभा में आए हुए परम आदरणीय हमारे अभिभावक गार्जियन इस गांव के तमाम नौजवान दोस्तों को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अलाउद्दीन साहब को, विजय बाबू को और विजय कुमार चौधरी साहब को जिन्होंने अपना अमूल्य वक्तव्य रखे, अमूल राय साहब को जिन्होंने मधेपुरा से चलकर यहाँ तक आकर के हम लोगों के बीच अपना समय दिए, और मैं इस सभा में आए हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस भूगत कारण मंडल के समारोह में शिरकत किए, और अंत में भूपेंद्र बाबू के समाधि स्थल पर अपना शीश नवाते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अभिभावक और जिनके हम शिष्य रह चुके हैं परम आदरणीय सुरेश्वर बाबू, और मैं जो भी जिनको भी मैं नाम देना भूल गया हूँ मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, और वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।